हेलो गाइस, तो आज आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से पांच पोकेमोन है जो इसको पकड़ने ही चाहिए थे। तो टॉप फाइव पे आता है हमारा डिट्टो। डिट्टो एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोकेमोन है क्योंकि ये किसी भी पोकेमोन में बदल सकता है आराम से। और अगर एस डिट्टो होता तो एस आराम से किसी भी जिम लीडर को हरा देता क्योंकि वो किसी भी पोकेमोन में बदल सकता है इसलिए। और डिट्टो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और स्ट्रांग पोकेमोन है और ये गैरी के पास भी था। तो आप समझ सकते हैं गैरी तो अमेजिंग और कुल पोकेमोन पकड़ता है, तो एस का डिट्टो होनी चाहिए था यार। तो टॉप फोर नंबर पे आता है ऑर्निक्स। ऑर्निक्स एक रॉक टाइप पोकेमोन है। एस के पास रॉक टाइप पोकेमोन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो एस के पास ऑर्निक्स होता तो आराम से वो टीम रॉकेट को भी आराम से हरा सकता था और एस के तो मज़े ही मज़े लग जाते हैं। और ऐसे अपने दुश्मनों को भी आराम से हरा सकता था और उसे कहीं भी जाने में आसानी होती। और आपको तो याद होगा ब्रॉक के पास भी एक ऑर्निक्स है और वो कितना पावरफुल आपको तो पता ही होगा। तो अगर एस के पास भी ऑर्निक्स होता तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता। और ऑर्निक्स के पास बहुत ज़्यादा अमेजिंग अटैक है जैसे रॉक थ्रो, रॉक टॉम और बहुत ज़्यादा, तो एस के पास ऑर्निक्स होना ही चाहिए था। टॉप थ्री पर आता है हमारा इलेक्ट्रीवायर। इलेक्ट्रीवायर एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है और गैरी और पॉल के पास भी एक इलेक्ट्रीवायर था। और पॉल का इलेक्ट्रीवायर कितना ज़्यादा स्ट्रांग था तो आपको ये बतानी जरूरत नहीं है क्योंकि पॉल और एस के बैटल में एस ने अपने इन्फरनेप को उतारा था और इस मैच में इलेक्ट्रीवायर हार गया था, पर इलेक्ट्रीवायर आगे तक लड़ा और वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग था। और इलेक्ट्रिक में एस के पास पिकाचू के अलावा और कोई ज़्यादा पोकेमोन नहीं है इलेक्ट्रिक टाइप के, तो इसलिए यार एस को ये पकड़ना ही चाहिए था। टॉप टू पे आगे हमारा जोल्टियन। जोल्टियन एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है और पोकेमोन फैंस भी चाहते हैं कि ये एस के साथ रहे क्योंकि जनरेशन वन का स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल पोकेमोन है। और जब जनरेशन वन में हमें इससे इंट्रोड्यूस कराया था तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था और एस के पास इलेक्ट्रिक टाइप में ये एक और पोकेमोन जुड़ जाएगा। टॉप वन पे आने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए क्योंकि टॉप वन का पोकेमोन कोई ऐसा है जो तहलका मचा देगा। तो टॉप वन पे आता है एब्सोल। एब्सोल एक डार्क टाइप प्योर डार्क टाइप पोकेमोन है और आपको तो पता ही होगा जो भी ऐसा डार्क टाइप पोकेमोन है उनसे तहलका मचा देता है। और ये मेगा इवॉल्व होने में बहुत तगड़ा दिखता है। इसके पंख आ जाते हैं और इसके ऐसे ऐसे अटैक होते हैं कि आप मानेंगे नहीं। ये इसके पास होना ही चाहिए था, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता।